हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की हिंदी का पाठ, जिसका नाम है वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी। तो इसको लिखा है गोविंद कुमार गुंजन जी ने। सबसे पहले हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न आएगा, बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग क्यों घटने लगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अब मोबाइल फ़ोन में अलार्म उपलब्ध रहने से अलार्म घड़ियों की बाज़ार में मांग घटने लगी। क्यों घटने लगी थी? क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन में ही अलार्म्स उपलब्ध रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेखक को कॉलेज में पुरस्कार में कौन सी घड़ी मिली थी? इसका उत्तर आएगा, लेखक को कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर अलार्म घड़ी मिली थी। आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि लेखक को अलार्म घड़ी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेखक को कविताओं में डूबे रहना कैसे लगता था? उत्तर लिखेंगे, लेखक को कविताओं में डूबे रहना मानो स्वर्ग में जीने जैसा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चिड़िया कमरे में दीवार पर लगी किसकी तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी थी? उत्तर लिखेंगे, चिड़िया कमरे में आकर दीवार पर लगी पंत जी की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अपनी कौन सी दुनिया में खोआ रहता था कि चिड़िया की तरफ ध्यान ही नहीं देता था? इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक अपनी किताबों की दुनिया में ही खोया रहता था और इसी कारण चिड़िया की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी कौन थी? उत्तर आएगा, लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी एक चिड़िया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया ने लेखक को कौन सा रत्न दिया था? तो इसका उत्तर है, चिड़िया ने लेखक को उषा सुंदरी नामक रत्न दिया। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन चार पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, पहले किन किन अवसरों पर घड़ी देने की परंपरा थी? अवसर होते हैं मौके, ठीक है। अभी कौन कौन से मौके थे जब कोई किसी को घड़ी देता था? उत्तर लिखेंगे, पहले ज़माने में घड़ी ही एक ऐसा उपहार होता था, उपहार मीन्स तोहफा गिफ्ट, जो कलाई पर बांधने के लिए दी जाती थी। परीक्षा में पास होने पर, ठीक है, कब दी जाती थी? परीक्षा में पास होने पर और कॉलेज में दाखिला होने पर बच्चों को कलाई घड़ी दी जाती थी। शादी में दूल्हे को ससुराल पक्ष वाले भी घड़ी अवश्य देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जिन दिनों लेखक के पास घड़ी नहीं थी तब उनके पिताजी क्या कहा करते थे? इसका उत्तर है, जिन दिनों लेखक के पास कोई घड़ी नहीं थी तब पिताजी कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो तुम अपने तकिए से कहकर सो जाओ कि तुम के सुबह तुम्हें इतने बजे उठा देना, बस फिर तुम्हारी नींद सुबह उतने ही बजे खुल जाएगी। लेकिन लेखक ने बचपन में कितनी ही बार इस फॉर्मूले को अपनाया था और सही पाया था। तो बच्चों, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मैं भी कोई अलार्म नहीं लगाती हूँ। जितने बजे मुझे उठना होता है मैं अपने मन में रखती हूँ कि मुझे इतने बजे, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, जितने बजे भी उठना है, तो उतने ही टाइम पर मेरी नींद खुल जाती थी। आप भी इस फार्मूले को अपना के देखिए, आपके भी ज़रूर काम आएगा। नेक्स्ट है, शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी? पधार मीन्स आ जाती थी। उत्तर आएगा, लेखक ने एक कमरा किराए पर ले लिया था, उस कमरे में एक दरवाज़ा ही था, उसमें ना कोई खिड़की ना कोई रोशनदान था। शाम को देर तक लेखक के कमरे का दरवाज़ा खुला रहता था, इसलिए वह चिड़िया आराम से लेखक के कमरे में अपने घोंसले में आ जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रोज सुबह सुबह चिड़िया लेखक के पलंग के सिराने बैठकर चहचहाती क्यों थी? इसका उत्तर लिखेंगे,
रोज़ सुबह सुबह चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर एक अलग तरह की झुंझलाहट से भरी चीची करके ऐसे चहचहाती थी मानो उसे लेखक के ना उठने पर नाराज़गी हो। चिड़िया के चहचहाने पर भी जब लेखक की नींद नहीं खुलती थी तो चिड़िया बार बार पलंग के सिरहाने आकर फुदकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से क्यों की है? उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से इसलिए की है क्योंकि एक माँ ही बड़े प्यार और दुलार से अपने बच्चों को सुबह उठाने की कोशिश करती है। लेखक को भी तब अपनी माँ की याद आ गई जब एक सुबह चिड़िया उसकी रजाई का कोना अपनी चोंच से खींचकर अपनी चहचहाहट से उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। लेखक को स्मरण हो गया, स्मरण मीन्स याद आ गया कि बचपन में इतने प्यार और इतनी ही झुंझलाहट से देर तक सोने पर उसकी माँ ही उसे जगाती थी और अब वही काम जी चिड़िया करती है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी, कहानी के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? इसका उत्तर आएगा, वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी, इस कहानी के माध्यम से लेखक यही संदेश देना चाहता है कि मनुष्य की आदतें चिरस्थाई होती हैं जो सहजता से नहीं बदलती, लेकिन कभी कभी जब दूसरे उसे बदलने की कोशिश करें तो उसमें वे सफल भी हो जाते हैं। इस कहानी के लेखक को भी देर तक सोए रहने की आदत थी और वह अपनी इस आदत से मजबूर भी था, परंतु उसे एक छोटी सी चिड़िया ने उसे सुबह उठाने की कोशिश करके उसकी इस आदत को बदल दिया था। इस प्रकार जब चिड़िया सुबह उसे उठाती तो लेखक को भी सुबह की ताज़ा हवा का एहसास होने लगा और उसने सुबह सुबह उठने की आदत डाल ली। अब नेक्स्ट है, चिड़िया द्वारा लेखक को जगाए जाने के प्रयास को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, प्रयास मीन्स कोशिश। उत्तर लिखेंगे, लेखक के लिए चिड़िया ने तो सचमुच एक अलार्म का काम किया, वह उसे एक माँ की भांति सुबह उसी प्रकार उठाने की कोशिश करती जैसे बचपन में देर तक सोने के कारण झुंझलाहट में भरकर उसकी माँ जगाती थी। वे चिड़िया प्रतिदिन सुबह लेखक की रजाई का कोना अपनी चोंच से खींचकर अपनी चहचहाहट से उसे जगाने का प्रयत्न करती, प्रयत्न मीन्स कोशिश करती। लेखक ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि चिड़िया मेरी अलार्म घड़ी थी जो मुझे अपने साथ सुबह जगा लेती थी। वह पलंग के सरहाने जा मेरी रजाई पर बैठकर मधुर चहचहाहट से मुझे जगाने की कोशिश करती थी, कि जो जे लेखक है उसको लगता था कि ये मेरा अलार्म है जो सुबह आकर मुझे उठाती है और अपनी चहचहाहट से मुझे जगाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक उस वात्सल्यमयी चिड़िया का उपकार क्यों मानता है? इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक उस वात्सल्यमयी चिड़िया का उपकार इसलिए मानता है क्योंकि वह चिड़िया उसे उसकी माँ के वात्सल्य का ही स्मरण दिलाती है जो बचपन में उसे सुबह देर से उठने के कारण कभी डांट डपक से तथा कभी पुचकार कर उठाती थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम करेंगे निम्नलिखित एकवचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एकवचन कौन सा है, घोंसला, इसका बनेगा घोंसले। कमरा, इसका बनेगा कमरे। दरवाजा, इसका दरवाजे, मीन्स कि बहुवचन में हमने इनके साथ एक ही मात्रा जो है वही लगानी है, जैसा घोंसले का घोंसले, कमरा का कमरे, दरवाजा का दरवाजे, बच्चा का बच्चे, दूल्हा का दूल्हे, चिड़िया का चिड़ियाँ, डिब्बिया का डिब्बियाँ, घड़ी का घड़ियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, छुट्टी का छुट्टियाँ। ठीक है,
तो इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जैसे घड़ी है ना, घड़ी लिखते हुए हमने ल को कौन सी मात्रा डाली है, बड़ी ई की मात्रा डाली है, लेकिन जब हमने इसका बहुवचन लिखना है तो छोटी ई की मात्रा में ये कन्वर्ट हो जाती है। जैसे खिड़की है, ये भी छोटी ई की मात्रा में, जो क को है मात्रा है बड़ी ई की, वो छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे छुट्टियों में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करके लिखे, ठीक है। सभी शब्द दिए हैं, उसमें हमें उपसर्ग और जो मूल शब्द है वो अलग करके लिखना है कि हमारा मूल शब्द कौन है और उसके आगे हमने उपसर्ग कौन सा लगवाया है। जैसे उपहार, इसमें मूल शब्द हमारा हार है और उपसर्ग आएगा उप, तो बन जाएगा उपहार। उपस्थित, इसमें भी हमारा मूल शब्द स्थित है और उपसर्ग है हमारा उप। नेक्स्ट है उपलब्ध, इसमें लब्ध हमारा मूल शब्द है, उप हमारा उपसर्ग आएगा। उपकार, इसमें कार हमारा मूल शब्द है और उप जो है वो उपसर्ग है। अभिभूत, जो भूत है हमारा मूल शब्द है, जो अभी है वो उपसर्ग है। सुमंगल, मंगल हमारा मूल शब्द है और सु हमारा उपसर्ग है। अनुभूति, भूति हमारा मूल शब्द और अनु उपसर्ग है। बेखबर, खबर आएगा मूल शब्द और बे आएगा उपसर्ग। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग कर करके लिखें, इसमें हमारा मूल शब्द जैसे है चहचहाहट, ठीक है, तो इसमें जो चहचह है वो हमारा मूल शब्द है, प्रत्यय आहट, प्रत्यय होता है जो नया शब्द बनाते हैं जो उसके पीछे लगता है, ठीक है। जैसे उपसर्ग में आगे लगता है तो प्रत्यय में पीछे लगता है, इसीलिए चहचह हमारा मूल शब्द है और आहट हमारा प्रत्यय है। झुंझलाहट में झुंझला हमारा मूल शब्द है और आहट प्रत्यय है। रोशनदान हमारा, इसमें रोशन मूल शब्द है और दान प्रत्यय। कृतिकता, इसमें कृत्य हमारा मूल शब्द है, त प्रत्यय है। सघनता, सघन हमारा मूल शब्द आएगा और त प्रत्यय आएगा। मानवीय में जो मानव है वो मूल शब्द है और ये जो है वो हमारा प्रत्यय है। पाठ में आए निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तत्पद रूप तथा तत्पद शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जी, हमें कुछ संस्कृत और हिंदी के शब्द दिए हैं, हमें इनको जिसका हमें हिंदी में मीन्स की जो तत्पद दिया है उसका तत्सम लिखना है, जिसका तत्सम दिया है उसका तत्पद लिखना है, ठीक है। जैसे रात्रि का रात, आश्रय का आसरा, कृपा का कृपा, ग्रह का आएगा घर, सूर्य का आ जाएगा सूरज, सच का आएगा सत्य, नींद का निंद्र, मोती का मुक्ता, चिड़िया का खग, माँ का मात्र, ठीक है। तो ये था हमारा पाठ, वो चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। तो आशा करती हूँ कि इस पाठ में आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और आपके एग्ज़ाम्स में काम भी आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए